जब उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे कहा उनकी एक 19 साल की बेटी है, एक 13 साल का बच्चा है। तो हमारी बातचीत हुई परिवार, अंत में जब हम जाने वाले थे तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने पति के हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, डर है। किसी वजह से मेरा ध्यान उन पर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके एक दो दिन पहले लखनऊ में थे, लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं, उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफ़ी मांग रहे हैं, जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं? समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या 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 नहीं बोला, आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा कौन कर रहा था? ये तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून, हम कैसे भरोसा करें, हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। चलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा, ये सरकार समझ गई है। इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए, मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई, कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पर भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे और
आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि। प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए फैसला लिया गया कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। प्रियंका जी, सेवरल फार्मर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। प्रियंका जी, सेवरल फार्मर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और इतना समय क्यों इंतजार किया? इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की, जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार में जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनकी बात नहीं आई, उनके फैमिली की बात नहीं आई? वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए था, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो उससे नाराज थे। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया। तो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है वो, या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, डीजल के दाम से सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है, लोग गुजर रहे हैं। आपने पूछ लिया संसद में बिल वापस नहीं हुआ था, तब तक उसको अभी मानेंगे नहीं, खाली बिजलीवादी का जो देखा जा रहा है जी, काफी समर्थन करते हैं कि आप वेट करेंगे कि जब वो वापसी होगी संसद में तब इसको पूर्ण रूप से माना जाएगा। देखिए, तो इसके लिए क्यों नहीं, क्या इसके लिए भी कोई योजना है कि जब चुनाव पास आएगा तब हम धूमधाम से इसको करेंगे? अभी क्यों नहीं करते? आंदोलन जारी रखेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? आपको लगता है कि आपका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इनका रुख रोज बदलता है, तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून पील कर ठीक ढंग से फिर देखा जाए। प्रियंका जी, one question, given that the farm laws have been repealed at the end of the day, they have not been repealed yet. They have not been repealed yet. Yes. Would the opposition in UP have to recalibrate their strategy in any way for the western part of the state? And the political end. I feel that the people of India are extremely wise. And I feel that the people of India are extremely wise. Frankly, there is no one wiser than the farmer. He knows what is good for him, he knows who stands up for him, and he has seen what this government has done, not just with the farm laws, progressively over the last 7 years to weaken him and to ensure that the agriculture is handed over to certain for the safety and security of the farmer. Farmer understands this absolutely well. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।